सब्सक्राइब कीजिए चैनल फॉर यू को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिसमें आप देख सकें टेक्निकल वीडियो। मेरा नाम शुभम और आपके अपने चैनल फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने पहले LG Q6 मिनी और LG G6 के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको स्मार्टफोन की रिव्यू स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था। कुछ दिन पहले LG ने क्यू सीरीज स्मार्टफोन LG Q6 प्लस, LG Q6 एंड LG Q6A को लॉन्च किया है। ये तीनों स्मार्टफोन लगभग सेम ही स्पेसिफिकेशन के हैं, बस इसमें कि रैम और मेमोरी का डिफरेंस है और साथ ही इसमें कुछ प्राइस का डिफरेंस है। तो चलिए बात करेंगे इन स्मार्टफोन के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो चलिए सर बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं LG Q6 प्लस के बारे में। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 5.5 इंचेस की इसकी डिस्प्ले होगी, 18:9 फुल HD प्लस फुल विजन LCD 442 PPI डिस्प्ले। साथ ही इसमें होगा 2160x1080 की पिक्सल्स। साथ ही ये स्मार्टफोन रन करेगा एंड्रॉइड 7.1 नोगट के साथ। इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन रन करेगा ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 435 के साथ। साथ ही इसकी रैम की बात करें तो 4GB की इसकी रैम होगी, साथ ही होगा 64GB की स्टोरेज और एक्सपेंडेबल अप टू 2TB। जी हाँ, अब अगर हम बात करते हैं इसकी कैमरे की तो 13MP का इसका कैमरा होगा, साथ ही होगा LED फ्लैश, स्क्वायर कैमरा मोड, GIF मोड, फूड मोड। साथ ही इसका अगर फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो 5MP का इसका कैमरा होगा। साथ ही इसमें होगा डुअल सिम स्लॉट, 4G ओल्टी, 3000mAh की इसकी बैटरी होगी। और कलर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये तीन कलर में अवेलेबल होगा, मेरीन ब्लू, एस्ट्रो ब्लैक और आइस प्लेटिनम में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं LG Q6 के बारे में। इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है फ्रेंड, जो सेम स्पेसिफिकेशन LG Q6 प्लस में है वही सेम स्पेसिफिकेशन सेम इसमें है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसके जो रैम होगी 3GB की इसकी रैम होगी, साथ ही इसका होगा 32GB की इसकी इंटरनल। अगर हम बात करते हैं LG Q6A की तो इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसकी भी स्पेसिफिकेशन सेम ही है, सेम ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, सेम इसमें बस कैमरा है, गेम कैमरा भी सेम है। बस इसकी बात करें अगर रैम की, रैम इसमें होगी 2GB की रैम और 16MP की इसकी स्टोरेज होगी। साथ ही चलिए हम इसके फ़ोन की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। LG Q6 प्लस आ रहा है 19,999 रुपीज़ में, और साथ ही अगर हम LG Q6 की बात करें तो ये आ रहा है 16,990 रुपीज़ में। अगर हम बात करते हैं LG Q6A की प्राइस के बारे में तो इसकी प्राइस होगी लगभग इंडिया में 13,990 रुपीज़। इसका प्राइस का डिफरेंस फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि जो LG Q6 प्लस में होगा उसमें होगी रैम ज़्यादा है, इसके रैम के डिफरेंस के कारण इसका प्राइस में भी डिफरेंस है। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सेम डिस्प्ले है, सेम प्रोसेसर है, सेम कैमरा है। मैंने इसके पहले ही फ्रेंड्स मैंने LG Q6 मिनी और LG G6 के बारे में वीडियो बनाई, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिए तो आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप जाके वहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप इन स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो ये इंडिया में अवेलेबल हो चुके हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से जाके इन स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर मैं इन फ़ोन के बारे में अपनी कोई राय दूँ तो फ्रेंड्स इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इस प्राइस में हमें दूसरे फ़ोन बहुत अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस।